हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डू ईवीएस। प्लीज टेक दिस मार्वल सेमेस्टर सीरीज। टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 77। यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, क्या लिखा है देखो। सर्कल द थिंग्स यू सी इन द किचन। तो आपके घर में किचन तो होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चीज़ें दी गई है उसमें से उस चीज़ पर सर्कल करना है जो आपके किचन में होती है। ओके, तो ये देखो फर्स्ट क्या है, ये टैप। तो टैप होता है किचन में, यस। तो हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। फिर ये क्या है, शर्ट। तो शर्ट होता है किचन में, यस नो? शर्ट नहीं होता है किचन में, तो यहाँ पर सर्कल नहीं बनाना है। अब ये क्या है, रोलिंग पिन। तो ये होता है किचन में, यस। इससे आपकी मम्मी रोटी बनाती है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्कल। अब ये होता है किचन में, यस। तो हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। फिर ये होता है किचन में, नो। तो हमें यहाँ पर सर्कल नहीं बनाना है। फिर ये क्या है, पेपर्स। तो पेपर्स होते हैं किचन में, नो। तो यहाँ पर हमें सर्कल नहीं बनाना है। फिर ये क्या है, बटर। येलो कलर का जो है वो बटर है, तो वो किचन में होता है, यस। तो हमें यहाँ पर सर्कल बनाना है। ओके, देखो यहाँ पर हमने जो चीज़ पर सर्कल बनाया है वो सारी चीज़ें किचन में होती है। ओके, अब हमें पेज टर्न करना है और पेज नंबर 82 ओपन करना है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द नोज। तो हमारा नोज है उसका कहाँ पर यूज होता है वो हमें देखना है। ओके, तो पहले ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है यहाँ पर, क्रॉस आउट द थिंग्स दैट डू नॉट स्मेल गुड टू यू। हमें यहाँ पर जो चीज़ गई दी गई है उसमें से हमें उस चीज़ पर क्रॉस करना है जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। ओके, तो ये क्या है, रोज। तो रोज की स्मेल अच्छी होती है या नहीं होती है, यस, रोज की स्मेल तो हमें अच्छी लगती है, तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमें क्रॉस करना है किस चीज़ पर, जिसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है। ओके, तो हमें यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है। अब ये क्या है, गार्लिक पाउडर। ओके, तो यहाँ पर ये गार्लिक पाउडर है, तो उसकी स्मेल आपको अच्छी लगती है, नो। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। फिर ये क्या है, डेटोल का हैंड वॉश है, तो उसकी स्मेल तो अच्छी होती है, तो हमें यहाँ पर क्रॉस नहीं करना है। फिर ये क्या है, डस्टबिन। और उसमें क्या है देखो, कितना डर्टी कचरा है, तो हमें उसकी स्मेल अच्छी लगती है, नो। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। ये क्या है, शॉक्स। तो वो गंदे होते हैं, तो उसकी स्मेल कितनी गंदी आती है, नहीं? तो वो अच्छा है, उसकी स्मेल अच्छी है, नो। तो हमें यहाँ पर क्रॉस करना है। ओके, अब हम पेज नंबर 83 पर आएंगे। तो पहले आपको यहाँ पे ऊपर आज की डेट लिखनी है। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें पिक्चर देखना है और यहाँ पर जो ब्लैंक्स है वो
फिल करनी है। देखो यहाँ पर नीचे आपको कुछ स्पेलिंग्स दिए गए हैं, फिंगर्स, ईयर्स, नोज, टंग, आईज, तो उसमें से आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, तो देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, आई स्मेल अ रोज विथ माय, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, तो पहले देखना है आपको पिक्चर में ये गर्ल क्या कर रही है, रोज का फ्लावर है उसको स्मेल कर रही है। तो आप स्मेल किससे करते हो, फिंगर्स से करते हो, नो ईयर्स से, नहीं आप स्मेल किससे करते हो, यस नोज से। तो यहाँ पर आपको नोज लिखना है, आई स्मेल अ रोज विथ माय नोज। आप कुछ भी चीज किससे स्मेल कर सकते हो, नोज से, एन ओ एस ई नोज, ओके। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर, आई सी अ फ्लावर यूजिंग माय, क्या लिखा है, सी, और कौन क्या सी कर रही है, ये गर्ल क्या देख रही है यहाँ पर, देखो तो पिक्चर में ये गर्ल फ्लावर को देख रही है। तो आप किससे देख सकते हो, कौन सा बॉडी पार्ट है जिससे आप देख सकते हो, फिंगर से देख सकते हो, नहीं फिंगर से तो हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम देख तो किससे सकते हैं, आई से, हम आई से देख सकते हैं। तो ये गर्ल है वो अपनी आईज की मदद से फ्लावर को देख रही है। तो यहाँ पर हमें आईज लिखना है, ई वाई ई एस आईज। अब देखो यहाँ पर, आई हियर म्यूजिक विथ माई, हियर मतलब सुनना, तो आप अपने कौन से बॉडी पार्ट से सुनते हो, देखो तो यहाँ पर ये गर्ल है वो क्या कर रही है, म्यूजिक सुन रही है। तो देखो उसका हाथ कहाँ पर है, ईयर्स के पास, यस, तो हम अपने ईयर्स की मदद से सुन सकते हैं। तो ईयर्स का स्पेलिंग यहाँ पर है तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ई ए आर एस ईयर्स, आई हियर म्यूजिक विथ माई ईयर्स, ओके। अब क्या लिखा है देखो यहाँ पर, आई लिक एन आइसक्रीम विथ माई, तो आपको पहले देखना है पिक्चर में ये गर्ल क्या कर रही है, आइसक्रीम को लिक कर रही है, यस, किसकी मदद से करेंगे, आपको टेस्ट आता है कुछ चीज खाते हो तो टेस्ट किस चीज से आता है, कौन से बॉडी पार्ट से आता है, यस आपकी टंग की मदद से, ओके। तो देखो ये गर्ल है वो अपने टंग की मदद से आइसक्रीम को लिक कर रही है, तो हमें यहाँ पर टंग का स्पेलिंग लिखना है, टी ओ एन जी यू ई टंग, ओके। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई यूज माई, देखो पहले पिक्चर देखो आप, ये पिक्चर में ये गर्ल है वो किसके ऊपर हाथ रखा है उसने, पिलो के ऊपर, और ये पिलो बहुत सॉफ्ट है, तो वो पिलो सॉफ्ट है वो कैसे पता चलेगा उसे, वो अपने हैंड और फिंगर्स की मदद से टच करती है तब उसे पता चलता है। आप कुछ चीज़ पर हाथ या फिंगर रखते हो तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ हार्ड है या सॉफ्ट है और कैसी है, वो आपको अपने हैंड और फिंगर्स की मदद से पता चलता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फिंगर्स, एफ आई एन जी ई आर एस फिंगर्स, ओके। तो आप देखो पहले से हम कुछ चीज़ स्मेल करते हैं तो किसकी मदद से स्मेल करते हैं, नोज,
हमें कुछ चीज देखनी है तो हम कौन से बॉडी पार्ट से देखते हैं? हमारे आइज की मदद से। फिर हम कुछ सुनते हैं, आप म्यूजिक सुनते हो तो वो कौन से बॉडी पार्ट की मदद से सुनते हो आप? यस, ईयर्स की मदद से। फिर आप कुछ चीज टेस्ट करते हो, वो कैसी होती है? खट्टी होती है, मीठी होती है, मतलब स्वीट होती है, तो आपको कैसे पता चलता है? टंग की मदद से आप टेस्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि वो चीज़ कैसी है। ओके, और लास्ट में यहाँ पर आप कुछ चीज़ को टच करते हो तो वो हार्ड है, सॉफ्ट है, ड्राई है, वो आपको किसकी मदद से पता चलता है? अपने फिंगर्स और हैंड की मदद से पता चलता है। ओके, तो अब हम हमारी सेमेस्टर बुक को क्लोज करेंगे। ओके, अब आपको इंग्लिश की क्लास वर्क बुक लेनी है। क्लास वर्क बुक में पेज टर्न करना है और यहाँ पर हमें आज ये स्पेलिंग्स लिखने हैं। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे ऊपर आज की डेट लिखनी है, फिर EVS स्पेलिंग ये हेडिंग लिखना है। पेज 83 ये पेज आपकी सेमेस्टर बुक का है, यहाँ पे आपको 5 स्पेलिंग्स लिखने हैं। कौन कौन से? FINGERS फिंगर्स, EARS ईयर्स, NOSE नोज, TONGUE टंग, EYES आईज। तो ये 5 स्पेलिंग आपको बोलकर यहाँ पे लिखने हैं। मैंने जो लाइन में लिखा है वही लाइन में आपको भी लिखना है। ये हमारी इंग्लिश की क्लास वर्क बुक थी। अब हमारी इंग्लिश की होमवर्क बुक लेनी है। इंग्लिश होमवर्क बुक, इंग्लिश की होमवर्क बुक में हमें पेज टर्न करना है और यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। ओके, यहाँ पे EVS स्पेलिंग ये हेडिंग लिखना है और पेज नंबर 83 ये पेज नंबर हमारी सेमेस्टर बुक का है, तो आपको ये स्पेलिंग्स इंग्लिश की होमवर्क बुक में भी लिखने हैं। फिंगर्स, ईयर्स, नोज, टंग एंड आईज। ओके, ये स्पेलिंग होमवर्क बुक में भी बोलकर अच्छे से लिखने हैं इंग्लिश की होमवर्क बुक में। अब हम ये बुक क्लोज करेंगे और हिंदी की टेक्स्ट बुक लेंगे। पेज नंबर 34 ओपन करना है। ये कौन सा व्यंजन है? ज से जहाज। ये देखो शीप है ना, उसको हम हिंदी में जहाज बोलते हैं। ज से जहाज, बड़ा विशाल, ले जाता सागर के पार। तो पहले हमें यहाँ पर ट्रेस करना है। ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज। इसी तरह आपको बोलकर ट्रेस करना है। ज से जहाज, यहाँ पर हमने ट्रेस कर दिया है, अब हम यहाँ पर भी ट्रेस करेंगे। ज से जहाज, ज से जहाज, ज से जहाज, ये हमने ट्रेस कर दिया है, अब हमें यहाँ पर लिखना है।
तो कैसे लिखोगे आप? आपकी जो सेकंड ब्लू लाइन है वहाँ से नीचे की तरफ इस तरह एक हाफ सर्कल करना है, फिर सेकंड ब्लू लाइन से थोड़े ऊपर तक यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, फिर यहाँ से स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, झ से जहाज। देखो इस तरह आपको लिखना है, झ से जहाज, झ से जहाज, झ से। झ से जहाज, झ से जहाज, झ से जहाज। ओके, ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पर देखो, ड्रो वाटर विथ ब्लू क्रेयॉन। यहाँ पे आपको वाटर ड्रो करना है ब्लू क्रेयॉन की मदद से, एंड कलर दी पिक्चर। ये पिक्चर में आपको कलर करना है। राइट दी करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको लेटर लिखना है, कौन सा लिखोगे? ये शिप है तो शिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्या बताया था? देखो यहाँ पे लिखा है जहाज, तो हमें फर्स्ट लेटर लिखना है झ। ओके, इस तरह आपको यहाँ पर लिखना है जहाज। ओके, ये हमने व्यंजन ज से जहाज लिख दिया है। और 36 ओपन करना है। ओके, आज हम कौन सा व्यंजन सीखेंगे? ज से झंडा। ये फ्लैग है और ये फ्लैग को हिंदी में झंडा बोलते हैं। ज से झंडा, तिरंगा न्यारा, हम सबको प्राणों से प्यारा। ओके, तो पहले हमें ये सारे ज ट्रेस करने हैं। ओके, तो आपको भी मेरे साथ ट्रेस करना है और बोलना है। क्या बोलना है? ज से झंडा, ज बोलना है। क्या बोलना है? ज, और ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी बुक में जो 3 ब्लू लाइन्स हैं उसमें ही लिखना है। ऊपर की और नीचे की रेड लाइन को टच नहीं होना चाहिए। ओके, ज से झंडा हमने यहाँ पर ट्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ पर भी ट्रेस करेंगे। ज से झंडा, ज से झंडा। देखो हमने ट्रेस कर दिया है। अब ज से झंडा कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी। आपने जो स्वर सीखे थे उसमें ई आता था ना, ई, तो इस तरह आपको पहले ई लिखना है। देखो, फिर उसमें से यहाँ पे जो सेकंड ब्लू लाइन है यहाँ से स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और फर्स्ट ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन, ज से झंडा। देखो इसी तरह आपको अच्छे से लिखना है और बोलना है, ज से झंडा।
ब्लू लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको अच्छे से लिखना है। ज से झंडा, ज से झंडा, ज से क्या होता है? यस, झंडा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, ज से झंडा। इस तरह आपको पूरे पेज में लिखना है। ये स्वर है या व्यंजन? ये व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है ये? ज से झंडा। तो देखो बच्चों, हमने ज से झंडा लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? कलर द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको करेक्ट लेटर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा? ज। तो हमें यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसको हमें क्या बोलते हैं? झाड़ू। तो इसमें यहाँ पर आपको कलर करना है, यहाँ पे डेट लिखनी है आज की। ओके, अब हम पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। ये एक आधा शब्द है। ये हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ञ। क्या बोलते हैं? ञ। तो हमें पहले ट्रेस करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। तो आपको ये सिर्फ ट्रेस करना है और उसके बाद लिखना है। अभी आप सिर्फ स्वर और व्यंजन सीख रहे हो, कोई वर्ड्स या शब्द नहीं सीख रहे हो, इसीलिए अभी आपको सिर्फ ये लिखना है। क्या बोलते हैं इसे? ञ। देखो यहाँ पे लिखा है ञ। ओके, तो पहले ट्रेस करेंगे। इस तरह आपको ट्रेस करना है और क्या बोलना है? ञ। अब हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे। आपको जो डॉट्स दिए गए हैं उसके ऊपर ही ट्रेस करना है, ञ बोलना है साथ में। ओके, देखो हमने ट्रेस कर दिया है, अब हमें यहाँ पर लिखना है। ञ, क्या बोलना है? ञ। ञ, आप बोल रहे हो ना साथ में? आप बोलोगे तो ही आपको याद रहेगा। ञ। तो देखो हमने यहाँ पर ञ लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रेस एंड कलर द लेटर। तो इसको आपको अपने पेंसिल की मदद से पहले ट्रेस करना है, उसके बाद उसमें कलर करना है। यहाँ पर नीचे आज की डेट लिखनी है। ओके, ये हो जाए, उसके बाद आपको हिंदी की टेक्स्ट बुक क्लोज करनी है और हिंदी की बुक लेनी है, नोटबुक। ओके, हिंदी की बुक, उसमें आपको पेज टर्न करना है।
और यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आपको दोनों पेज पर यहाँ पे ऊपर आपको आज की डेट लिखनी है। यहाँ पर व्यंजन ज, ज से जहाज, व्यंजन ज, ज से झंडा। ओके, तो यहाँ पर आपको ज से जहाज लिखना है और यहाँ पर आपको ज से झंडा लिखना है। ओके, अच्छे से आपको मैंने जो लाइन में लिखा है वही लाइन में आपको लिखना है। अब हम हिंदी की बुक क्लोज करेंगे।